हाय फ्रेंड्स, आप अगर एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट को अपने मोबाइल फोन से एडिट करना चाहते हो तो आज के वीडियो में आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसके जरिए आप कोई भी पीडीएफ फाइल को काफी आसानी से अपने मोबाइल फोन से एडिट कर सकते हैं। तो कौन सा एप्लीकेशन है और कैसे आपको यूज करना है, इस वीडियो में फुल डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी अगर सही लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन दिखेगा उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगे वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा हूँ उसको डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में लिख देना है पीडीएफ रीडर प्रो। अब लिख के जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला वाला एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, कुछ इस तरह से लोगो होगा, और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा फॉन्ट, फिर यहाँ पे एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से दिखेगा, और आपको स्लाइड करके इधर आना है। जैसे आएंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख जाएगा, और उससे पहले जो है आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है। मैं ऑलरेडी साइन इन करके रखा हूँ, और साइन इन करने के बाद आपको एडिट में जाना है। आप एडिट में जैसे जाएंगे तो यहाँ पे सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पे मोड का ऑप्शन में आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन दिख जाएगा, तो फाइल मैनेजर में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे जो है आपको इंटरनेट स्टोरेज में ले जाएगा, तो इंटरनेट स्टोरेज में जाना है। और जाने के बाद जिस भी फोल्डर में आपका पीडीएफ फाइल है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जेएमके टेक जोन फोल्डर में है, यहाँ से एक पेसिफ है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद ओके में आपको प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से आ जाएगा, और आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पीडीएफ आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, और आप यहाँ से जूम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से हाईलाइट हो गया है। तो आप जो भी चीज़ें यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं उसके ऊपर एक बार टैप करना है आपको। तो एक बार जैसे आप यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, तो एडिट में आपको जाना है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इस वीडियो में दिखाया गया टेक्निक को गलत पर्पज़ के लिए यूज ना करें। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे नाम चेंज करना है, तो नाम चेंज करने के लिए क्या करना है, जैसे टच करेंगे तो यहाँ पे बैक स्पेस का ऑप्शन आपको कीबोर्ड में दिखेगा, उसको आप जैसे प्रेस करेंगे तो ये जो है यहाँ पे मिटेगा, और यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी नाम लिखना है, जैसे कि मुझे जीवन लिखना है, बट स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, तो ये स्पेलिंग देना था मुझे। और लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो गया है, आपको बगल में एक बार टच कर देना है। जैसे टच करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं जीवन सेव हो गया है, और यहाँ पे कंप्लीटेड का ऑप्शन दिखेगा, कंप्लीटेड में आपको टच करना है। जैसे टच करेंगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखेगा, सेव में जाना है। जैसे जाएंगे तो ये सेव हो चुका है। आप इसको गैलरी में सेव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पे मोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जाना है, और जाने के बाद यहाँ पे कॉपी टू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टच करना है। जैसे टच करेंगे तो यहाँ पे आपका ये इंटरनल स्टोरेज में ले जाएगा, और जहाँ पे भी आपको सेव करना है उस फोल्डर को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, जैसे पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पीडीएफ फाइल आ चुका है। अब इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो भी चेंजेस किया था वो चेंज हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जो जीवन लिखा था वो यहाँ पे चेंजेस हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको पता चल गया होगा इस एप्लीकेशन के जरिए आप पीडीएफ फाइल में कैसे एडिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और फ्रेंड्स इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कौन वीडियो कौन जानकारी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।